हेलो गाइस, सो इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो लेट्स सी इट्स क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनविजिबल साइंटिस्ट इन द स्टोरी? स्टोरी के अंदर जो इनविजिबल साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम था? मिसिज हॉल, जेफर्स, ग्रिफिन, एजी वेल्स। तो हमने ये स्टोरी में स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि उनका जो नाम था साइंटिस्ट का, उनका नाम था ग्रिफिन। सो आंसर इज सी, ग्रिफिन। मिसिज हॉल हैं वो तो जो इनका ओनर हैं उसकी वाइफ थी। जेफर्स था वो कांस्टेबल था। एच जी वेल्स हैं वो स्टोरी के राइटर हैं। सो आंसर इज सी, ग्रिफिन। क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इन फॉर वार्म फॉर द फर्स्ट टाइम? जब जो ग्रिफिन है साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स ली थी जिससे वो इनविजिबल हो गए थे, तो वो इनविजिबल अपने कपड़े उतार के ही हो सकते थे, यानी नेकेड कंडीशन में। तो अपने जो लैंड ओनर था उनका, उनका जो मकान मालिक था, उसके घर को वो आग लगा के भागे थे जो एक नेकड़ कंडीशन में। तो बाहर जो लंदन का उस टाइम का मौसम था वो काफ़ी ठंडा था, काफ़ी हवा चल रही थी वहाँ तेज़ ठंडी। तो उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए एक स्टोर के अंदर एंट्री ली थी गर्मी के लिए। सो वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इन फॉर वार्म्थ द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम ग्रिफिन ने कहाँ स्लिप इन किया था वार्म्थ के लिए? थिएट्रिकल कंपनी, स्वीट स्टोर, बिग लंदन स्टोर एंड इन। आंसर इज बिग लंदन स्टोर। तो ये चैप्टर एकदम स्टार्टिंग में है कि बिग लंदन स्टोर के अंदर उन्होंने आंसर इज सी एंट्री ली थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हुज मनी वाज स्टोलन बाय द साइंटिस्ट? साइंटिस्ट ने किसकी मनी चुराई थी? टीचर की, शॉपकीपर की, कांस्टेबल की, क्लर्गी मैन की? आंसर इज डी, उन्होंने जो पैसे चुराया था वो क्लर्गी मैन का चुराया था। उसकी जो स्टडी थी उसमें से उन्होंने सिक्के चुराए थे। वैसे उन्होंने शॉपकीपर को भी लूटा था, पर उसको उन्होंने रोक किया था, उसके सर पे चोट मार के उसको लूटा था उन्होंने। जो पैसे चुराए थे उन्होंने, स्टोल की थी मनी, इन एग्जैक्ट वर्ड्स, वो उन्होंने क्लर्गी मैन से किए थी। सो आंसर इज डी, एक क्लर्गी मैन, एक पादरी था जो चर्च का फादर था। चर्च का जो पुजारी होता है, प्रिस्ट होता है, उसे फादर कहते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट हमने देखनी है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ग्रिफिन वॉज नॉट ए साइंटिस्ट, सो ये एकदम फॉल्स है। ग्रिफिन थे वो साइंटिस्ट ही थे। ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन थे वो लॉलेस पर्सन थे, ये बिल्कुल सही है। ग्रिफिन एक अच्छे साइंटिस्ट थे पर वो एक लॉलेस पर्सन थे। वो अपने जो उनका मकान मालिक था उसके घर को भी आग लगा के भाग गए थे। मिसिज हॉल वॉज द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज हॉल हैं वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, ये भी ट्रू है बिल्कुल। वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी जो इनका मालिक था, ओनर था। नंबर फोर, द कांस्टेबल ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन, कांस्टेबल ने ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए ट्राई किया था, ये भी ट्रू है बिल्कुल। ग्रिफिन ने कांस्टेबल ने ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए ट्राई किया था, पर वो इनविजिबल थे और वो उनको मुक्का मार के, उसको अनकॉन्शियस करके वो पकड़ से निकल गए थे उसकी। क्वेश्चन नंबर फाइव, ग्रिफिन डिड नॉट शेक हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को शेक करके फ्री नहीं कर पाए थे वो अपने आप को, तो ये फॉल्स है क्योंकि फाइनली ग्रिफिन ने अपने आप को शेक करके फ्री कर लिया था और वो वहाँ से भाग गए थे। सो क्वेश्चन नंबर सी, सो पार्ट बी, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट का फॉल्स है, बाकी थ्री जो टू थ्री और फोर है क्वेश्चन नंबर उनके ट्रू हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है उसका फॉल्स है। सो फर्स्ट एंड लास्ट इज फॉल्स एंड बिटवीन थ्री आर ट्रू। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 words, 20 to 25 words में इनके आंसर देने हमें। वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज, जो दो लड़के थे वो सरप्राइज क्यों थे? ये बिल्कुल स्टोरी के एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा हमने कि जो उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे थे, बिना आदमी के फुटप्रिंट्स थे वो, बिना फिट के, कि जो साइंटिस्ट थे वो, ये स्टार्टिंग में देखिए आप, द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज दैट फर्स्ट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। जो टू बॉयज थे वो सरप्राइज होते हुए देखते रहे थे, स्टेयर मीन्स होना किसी को घूर कर देखना, वो घूर कर देख रहे थे एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, जो अभी अभी ताजे मिट्टी के जो इम्प्रिंट्स थे, यानी जो छाप थी पाँव की, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी नंगे पाँव के जो जोड़ा होता है दोनों पाँव, उनकी छाप थी वहाँ पे, उसको देख के वो काफ़ी सरप्राइज थे। वट वॉज ए बेयर फुट फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ द लंदन, लंदन के बीचों बीच एक बिना जूते के आदमी, यानी बेयर फुट, नंगे पाँव आदमी क्या कर रहा था एक घर की सीढ़ियों पर? एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ पे था, यानी उसके जो पाँव के निशान थे केवल वही दिखाई दे रहे थे,
आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। एज दे गेज ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जैसे ही वो देख रहे थे, गेज कर रहे थे, उनके सामने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी रिमार्केबल काफ़ी अजीब व गरीब घटना हुई। साइट मेट देयर आइज, उनकी आंखों ने देखा, ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर, अभी अभी ताज़ा एक फुटमार्क आया था और वो ना जाने कहाँ से आया था। यानी वो फुटमार्क तो बनते हुए देख सकते थे लेकिन वो उस आदमी को नहीं देख पा रहे थे जिसका वो फुटप्रिंट था, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिनका ये फुटमार्क था वो इनविजिबल थे। सो द टू बॉयज वर सरप्राइज बाय सीइंग द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट वेयर एज नो बडी वाज विजिबल देयर। जो दो लड़के थे वो काफ़ी सरप्राइज थे फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देख के, एक जोड़ी नंगे पाँव का, वेयर एज नो बडी वाज विजिबल देयर, क्योंकि वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये इस रीज़न से जो बॉयज़ थे वो काफ़ी सरप्राइज थे। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल। अब जो साइंटिस्ट थे वो किस तरीके से इनविजिबल हो गए थे ये भी हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में पढ़ा है। उन्होंने एक ड्रग ले ली थी, द साइंटिस्ट स्वालो सम रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। तो साइंटिस्ट ने कुछ रेयर ड्रग ले ली थी, कुछ दवाइयाँ ली थी उन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये हमने अबाउट द स्टोरी में भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन, ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट ग्रिफिन की। वो कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को इनविजिबल करने के लिए, अदृश्य करने के लिए। फाइनली ही सक्सीडेड एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट, फाइनली उनको सक्सेस मिली थी और उनकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी, वो अदृश्य हो गए थे बिल्कुल। ये स्टोरी के स्टार्टिंग में ये देखिए, यहाँ से ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अब ये जो एक्सपेरिमेंट थे ये इसलिए किए थे उन्होंने कि वो प्रूव करना चाहते थे कि जो ह्यूमन बॉडी है यानी आदमी की जो बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है यानी अदृश्य हो सकती है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और फाइनली उन्होंने कुछ रेयर ड्रग्स थी वो स्वेलो कर ली थी, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास, और उनकी बॉडी थी वो ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गई थी जैसे कोई शीट का ग्लास की शीट हो, यानी एक शीशे की तरह। तो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, और ये एकदम सॉलिड भी रही थी जैसे ग्लास होता है, यानी वो हवा नहीं बन गए थे, बॉडी उनकी सॉलिड ही रही थी, बस वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ ड्रग्स ली थी, द साइंटिस्ट स्वालो सम रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास। तो कुछ रेयर ड्रग उन्होंने ली थी जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी ग्लास की तरह। इन दिस वे ही बिकेम इनविजिबल, इस तरीके से वो इनविजिबल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ द फर्स्ट लैंडलॉर्ड। अपना जो पहला लैंडलॉर्ड था उनका, जो मकान मालिक था, उसके घर को उन्होंने आग क्यों लगा दी थी? क्योंकि जो ग्रिफिन थे साइंटिस्ट थे वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर थे, यानी उनको जल्दी गुस्सा आ जाता था। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थो ही वाज, यानी वो जो ग्रिफिन थे वो काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे वो, काफ़ी टैलेंटेड थे वो। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन थे वो एक लॉलेस पर्सन थे, यानी वो कानून में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उनका जो लैंडलॉर्ड था वो उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और वो उनको मकान से निकालने की ट्राई कर रहा था। इन रिवेंज, उसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और उसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दी थी। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन, और बिना दिखे भाग जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उनको अपने जो कपड़े थे वो निकालने पड़े थे, क्योंकि जो ड्रग्स थी वो सिर्फ उनकी बॉडी पर वर्क कर रही थी। अगर वो कपड़े पहने रखते हैं तो वो दिखाई देते हैं, उनके कपड़े दिखाई देते हैं, तो उनको कपड़े निकाल के भागना पड़ा था। सो वाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ द फर्स्ट लैंड लॉर्ड, बिकॉज ग्रिफिन्स लैंड लॉर्ड वॉन्टेड हिम टू वेकेट द हाउस, सो ही बिकेम एंग्री एंड इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ द लैंड लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, वाई डिड मिसिज हॉल थिंक दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक पर्सन। मिसिज हॉल हैं जो इनका ओनर है, उसकी जो वाइफ हैं, वो ऐसा क्यों सोचती थी कि उनका जो गेस्ट है वो एक इसेंट्रिक पर्सन है? बिकॉज मिसिज हॉल उनसे काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रही थी, पर जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते,
इसलिए वो यहाँ पे आइपिंग में आए गांव में। तो मिसिस हॉल थी, उन्होंने सोचा कि वो काफ़ी इसेंट्रिक पर्सन है, काफ़ी अलग टाइप का, डिफरेंट पर्सन है। इसेंट्रिक मीन्स होता है काइंड ऑफ क्रेजी, जिसका बिहेवियर हो वो काफ़ी अलग हो। सो मिसिस हॉल मेड एवरी इफोर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसिस हॉल ने काफ़ी इफोर्ट किया था, काफ़ी उन्होंने एफर्ट किया था, काफ़ी प्रयास किया था उन्होंने फ्रेंडली बिहेव करने का विद द साइंटिस्ट, बट ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब। पर वो चाहते थे, ग्रिफिन चाहते थे ऐसा कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। सो शी थॉट ही वॉज एन इसेंट्रिक पर्सन। तो उन्होंने सोचा था कि वो एक इसेंट्रिक पर्सन है। वॉट हैपन टू द क्लर्गीमैन स्टडी, क्लर्गीमैन की स्टडी में क्या हुआ था? तो क्लर्गीमैन की स्टडी थी, उसके अंदर से उन्होंने जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिन, उन्होंने पैसे चुराए थे। तो ये हम देख सकते हैं इसको। शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक क्यूरियस एपिसोड ऑकर, यानी कुछ समय के बाद जब वो ग्रिफिन साइंटिस्ट हैं जो वो इनके अंदर आए थे रहने के लिए, उसके कुछ दिनों के बाद, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स एक क्यूरियस एपिसोड ऑकर, एक काफ़ी क्यूरियस यानी एक्साइटिंग एपिसोड मीन्स घटनाक्रम हुआ। एवरी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, काफ़ी सुबह सुबह, ए क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइसेस इन द स्टडी। जो क्लर्गी मैन थे यानी जो पादरी थे, वो अपनी स्टडी के अंदर उनके वॉइसेस आ रही थी, कुछ आवाज़ें आ रही थी, उससे वो जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, डाउन स्टेयर वो आए रेंगते हुए, यानी काफ़ी धीरे धीरे क्रीपिंग क्रॉल करते हुए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने सिक्कों की खनक सुनी, आवाज़ सुनी, बींग टेकन फ्रॉम क्लर्गी मैंस डेस्क, जो जो कि पैसे कुछ ले कोई ले रहा हो, ऐसे उन्होंने सुना जैसे कोई पैसे चुरा रहा हो क्लर्गी मैन जो पादरी हैं उनकी डेस्क से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पोकर ग्रेस्प फर्मली इन इज हैंड, बिना कोई शोर शराबा किए, और जो पोकर थी, पोकर होता है जो फायर प्लेस के अंदर आग को कुछ आग को इधर उधर करने के लिए, आग में मतलब थोड़ा उसको हिलाने के लिए, एक आयरन रोड होती है वो आगे से काफ़ी नुकीली होती है, शार्प होती है, तो उसको पोकर कहते हैं। ग्रेस्प, उन्होंने हाथों में एक पकड़ रखा था उसको। द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्गी मैन ने झटके से दरवाज़ा खोला एंड काफ़ी तेज़ी से। उन्होंने वो पोकर इसलिए रख रखी थी कि वो कुछ हथियार के लिए, यानी कोई अगर कोई चोर वगैरह हो तो उसे वो मार सकें उससे। तो क्लर्गी मैन थे जो पादरी थे, उन्होंने कहा सरेंडर, कि सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। तो उनको काफ़ी सरप्राइज हुआ, अमेजमेंट हुआ ये देख के कि रूम था वो काफ़ी एम्प्टी था बिल्कुल। तो इस तरीके से क्लर्गी मैन की स्टडी में यही हुआ था कि इन द क्लर्गी मैन स्टडी हाउस कीपिंग मनी वॉज स्टोलन। तो हाउस कीपिंग की जो मनी थी वो उनकी चोरी चली गई थी। देर वॉजेंट ए साइन ऑफ एनी बडी, कोई भी किसी का भी साइन नहीं था वहाँ पे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। तो हाउस कीपिंग के जो पैसे थे वो मिसिंग थे, वो चुरा लिए थे साइंटिस्ट ने। सो इन द क्लर्गी मैन स्टडी हाउस कीपिंग मनी वॉज स्टॉलन फ्रॉम द डेस्क, बट देर वॉज नो बडी इन द रूम, कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। तो ये हुआ था वहाँ पे, जो क्लर्गी मैन था उसके घर पे, उसकी स्टडी में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड मिसिज हॉल फॉल डाउन इन हिस्टेरिक्स। जो मिसिज हॉल हैं वो सीढ़ियों से क्यों गिर गई थी, फॉल डाउन इन हिस्टेरिक्स। तो जो मिसिज हॉल थी वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई थी साइंटिस्ट के रूम में, क्योंकि उनका जो रूम का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। तो उनको जो एक चेयर थी वो अपने आप स्प्रिंग करके यानी उछल के उनको आकर लगी थी, और जिससे वो काफ़ी डर गई थी। वैन मिसिज हॉल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द रूम ऑफ द साइंटिस्ट, जब मिसिज हॉल थी वो साइंटिस्ट के रूम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्राई कर रही थी, ए चेयर स्प्रैंग इन टू द एयर, एक चेयर थी वो हवा में उछली, स्प्रैंग की एंड चार्ज एट हर, और उनके पाँव पे आगे लगी थी। सो शी फेल डाउन इन हिस्टेरिक, तो वो गिर गई थी हिस्टेरिक से, यानी काफ़ी डर से, मिर्गी से, काफ़ी चौंकने से। वाई डिड ग्रिफिन बिकम फ्यूरियस, ग्रिफिन था वो फ्यूरियस क्यों हो गया था, यानी ग्रिफिन को गुस्सा क्यों आया था? तो ग्रिफिन को गुस्सा इसलिए आया था कि वो चाहते थे कि उनके रूम में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। पर जो मिसिज हॉल थी वो उनके रूम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी, तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे वो शॉर्ट टेम्पर आदमी थे, उनको काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो वो उनको काफ़ी गुस्सा आ गया। फ्यूरियस मीन्स होता है एंग्री हो जाना, गुस्सा आ जाना। ग्रिफिन बिकेम फ्यूरियस बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट एनी बडी टू इन्वेस्टिगेट हिज रूम, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके रूम को इन्वेस्टिगेट करे। बट मिसिज हॉल वॉज ट्राइंग टू डू सो, पर मिसिज हॉल हैं जो वो ऐसा करने के लिए ट्राई कर रही थी। सो इससे आगे हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये आपको होमवर्क करना है बिल्कुल। और आपको फर्स्ट चैप्टर है जो, वो भी रेडी रखना है, संडे को उसका टेस्ट हो सकता है। तो संडे को आपका टेस्ट होगा, इसके लिए आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। सो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।